जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 965 का पेपर लीक होने के बाद सरकार ने हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग की फंक्शनिंग को सस्पेंड कर दिया है और भर्तियों पर भी रोक लगा दी है। सरकार के इस निर्णय से एग्जाम की तैयारियां कर रहे और एग्जाम पास कर चुके अभ्यर्थी काफी खुश हैं, लेकिन दूसरी तरफ परीक्षा रद्द होने से संबंधित चिंता भी सता रही है। अभ्यर्थियों ने शिमला सचिवालय पहुंचकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से परीक्षाओं को रद्द न करने की गुहार लगाई है। क्या कहना है अभ्यर्थियों का सुनिए। ईयर्स से एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ सर, मैंने भी 817 का एग्जाम दिया है, वो भी क्लियर हो गया। फिर आपने 903 भी दिया, वो भी हुआ। फिर आपने 939 दिया, उसकी मैंने डीवी दी है, और 962 की भी मैंने डीवी दी है। अब सर हमारे इतने एग्जाम्स हो चुके हैं, अब हम लोग तो वेट कर रहे थे कि हम नौकरी मिलेगी हमें। नो डाउट जो सीएम सर ने डिसीजन लिया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। ऐसा डिसीजन एक दिन में लेना बहुत मुश्किल है, और हम लोगों के साथ गलत हो रहा था आज तक। हम 3-4 साल से हम एक एक नंबर से जा रहे थे, किस वजह से, क्योंकि लोग अपने। बट सर बात यह है कि 100 में से अगर 95 बच्चे लगते, 5 बच्चे आपके चीटिंग से लगते, तो 95 बच्चे हमारे जैसे भी जो दिन रात हम मेहनत करते हैं उस एक पोस्ट के लिए। बट अब अगर सारे एग्जाम्स यहाँ पे कैंसिल होते तो ये हमारे साथ बहुत गलत होगा सर। हमारे वो 3 साल वेस्ट, हम लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, बट क्या हो रहा है, आज हमें रोड पे आना पड़ रहा है। तो सर हमारे लिए, हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारा कोई एग्जाम कैंसिल हो। एसआईटी वाले अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करे, जल्दी से जल्दी करे, और हमारे सारे रिजल्ट्स भी आए, कोई भी एग्जाम हमारा कैंसिल ना हो। बस के साथ मतलब गलत हुआ है, जिन्होंने गलत किया है उन लोगों के साथ वो कार्रवाई होनी चाहिए पूरी, उनको जेल होनी चाहिए, उनको नौकरी से उनके साथ पूरी क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। हमारे पेपर कैंसिल नहीं होने चाहिए, हमारे प्रॉपर रिजल्ट आने चाहिए। हमें बस एक वो मिल जाए दिलासा कि हमारा पेपर होंगे, हमारे रिजल्ट आएंगे। बाकी सीएम सर ने जो किया, हम उसके पूरे सपोर्ट में है। वो सर दे शुड बी डिबार्ड फॉर लाइफ टाइम, एंड पर्टिकुलर एक्शन शुड बी टेकन बाय गवर्नमेंट। और जिन्होंने एग्जाम निकाले हैं, ठीक है, हमारे को तैयारी करते इतना टाइम हो गया, अब हमने मेहनत करके एग्जाम निकाले हैं, ठीक है, अब अगर हमारे अगर पूरे के पूरे एग्जाम को कैंसिल किया जाए, जैसे 817 की बात है, उसमें कम से कम 19,000 बच्चों ने आई थिंक टाइपिंग दिया हुआ है। अब 19,000 बच्चे, अब उन्होंने कुछ सोचा है, पहले ही ये 3 साल से लटका हुआ है, अब वो बच्चे उनका एक जिसको बोलते हैं मोराल भी डाउन होगा अगर पूरा का पूरा पेपर कैंसिल होता हो। बीजेपी सरकार की रही है जब ब्यूरोक्रेसी पे आपका कंट्रोल ही नहीं था, जो भी सेक्रेटरी थे उनको 7-8 साल वहां पे हो गए, इतनी बड़ी पोस्ट है, वो एक एचएस है, ठीक है, और कोई भी एक एचएस आई थिंक 3 या 2 साल से किसी एक इतनी बड़ी पोस्ट पे नहीं बैठता है, ठीक है, और जो भी लेडी, एक लेडी के कारण हमारा पूरा भविष्य खराब हो गया। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज के साथ।